आज हम बात करने वाले हैं हमारे सौरमंडल के बारे में, तो चलिए देखते हैं। तो सूर्य और उसके 8 ग्रहों को सौरमंडल कहा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौर परिवार में ग्रहों की कुल संख्या टोटल कितनी होती है, तो 8 होती है। टोटल जो ग्रह हैं उनकी संख्या 8 होती है। और उपग्रह उन आकाशीय पिंडों को कहते हैं जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। जैसे क्या करते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा जो होता है ये किसी ग्रह की क्या करते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, या पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सौरमंडल के ग्रहों का वर्णन जो है यहाँ पे ढेर सारे दिए गए हैं, जितने हैं 8 के बारे में चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, सूर्य है। यह जो है सौर परिवार, जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल इसका क्या है, ये मुखिया है। और सभी ग्रह उनके उपग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और ये जो है मिल्की वे नामक आकाशगंगा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बुध। यह सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह, मतलब सूर्य के सबसे करीब में है बुध ग्रह। सौर परिवार का यह सबसे छोटा ग्रह भी इसे कहा जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, यहाँ वायुमंडल नहीं है। यह 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, जो सूर्य की है परिक्रमा करता है, मतलब चारों तरफ से घूमना होता है, तो ये 88 दिन में इसको पूरा करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शुक्र की बात आ गई है। यह जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है, मतलब कि पृथ्वी के एकदम करीब में, इसीलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यह आयतन, भार और घनत्व में पृथ्वी के समान, मतलब कि एकदम इसका सेम जो क्षेत्रफल है पूरा पृथ्वी के ही बराबर लगभग है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी की बात करें, यह एकमात्र जीवंत ग्रह, मतलब कि जहाँ पे जीवन है। यहाँ हर 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक घूर्णन तथा 1/4 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, मतलब 365 दिन जो एक साल में होते हैं उसमें 1/4 दिन और भी ले लेता है, सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। इसके घूर्णन के कारण ही जो क्या होता है, दिन और रात बनता है, और परिक्रमा के कारण क्या बनता है, वर्ष बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मंगल, जहाँ पर जीवन की खोज जारी है। यह लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। जो मंगल ग्रह है वो लाल कलर का होता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने यहाँ जीवन की संभावना व्यक्त की है, मतलब कि उनको लगता है कि यहाँ पे जीवन संभव, इसलिए खोज हो रहा है वहाँ पे कि पानी या वहाँ का जो ज़मीन है उपजाऊ है कि नहीं है। इसके 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस नाम के होते हैं। यहाँ पे 687 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है। नेक्स्ट देखते हैं बृहस्पति की बात। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। आकार में बड़ा होने के कारण इसे मास्टर ऑफ गैस भी कहा जाता है। इसके 16 से अधिक क्या है, उपग्रह हैं। गैनीमीड सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, कौन सा, शनि। शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। इसके 21 से अधिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर वलय स्थित होता है। यह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 6 माह में पूरी करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अरुण की बात आ गई है। इसे वलयों वाला ग्रह कहा जाता है। यह हरे रंग का दिखता है, जो अरुण है वो हरे कलर का होता है। इसका कारण जो है वायुमंडल में मीथेन गैस की प्रधानता है, मतलब कि यहाँ पे अरुण ग्रह पे जो गैस पाई जाती है वो मीथेन गैस अधिक है, इसलिए यहाँ पे जो है इसका कलर हरे कलर का होता है। यह 84 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। इसके 5 उपग्रह हैं। नेक्स्ट देखते हैं 8वां, वरुण ग्रह के बारे में। यह वर्तमान में सबसे दूरस्थ ग्रह, मतलब सबसे दूर ग्रह है, ये दूर पे स्थित है। यह 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। इसके 4 उपग्रह हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।